एविडेंस एक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 35 ऑफ एविडेंस एक्ट से डील करेंगे। हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जहां से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। अब हम अपने एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने एविडेंस एक्ट में सेक्शन 34 को कवर कर लिया था और आपको पता है बेसिकली हम स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और इसमें जो सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 34 से लेकर के 38, सेक्शन 34 को कवर कर लिया है। सेक्शन 35 बेसिकली हम उन सभी स्टेटमेंट्स के रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया जाता है या किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दिया जाता है। तो सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 कहता है, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल, सिंपल समझो, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अपना ड्यूटी करते समय या व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी कोई एंट्री करता है किसी पब्लिक रिकॉर्ड में, जिस रिकॉर्ड को वो उस ड्यूटी के दौरान मेंटेन करता है उसी पर्पस के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो वो अपने आप में क्या है, रेलेवेंट है। व्हाट डज सेक्शन 35 स्टेट्स, सेक्शन 35 क्या कहता है, कोई पब्लिक ऑफिशियल, कोई पब्लिक ऑफिसर अगर पब्लिक ऑफिसर व्हाइल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, व्हाइल परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ड्यूटी या कोई पर्सन और पर्सन एंजॉइंड बाय द लॉ, यानी बाय लॉ उसे अथॉरिटी है कि वो उन एंट्रीज को पब्लिक रजिस्टर में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन करे, वो ऐसा करता है, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर व्हाइल परफॉर्मेंस ऑफ हिज हर ड्यूटी और पर्सन एंजॉइंड बाय लॉ मेक्स एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, क्या है वो, रेलेवेंट है। तो यानी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को क्लारिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 35 क्या कहता है, एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टेटिंग फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और एनी अदर पर्सन एंजॉइंड बाय लॉ, तो वो अपने आप में क्या है, रेलेवेंट है। छोटा सा सेक्शन था, ठीक है। तो यानी एंट्रीज इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक या रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को क्लियर करता हो, और वो जो एंट्री है वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है,
वाइल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया जाता है जो कि बाय लॉ ऑथराइज है उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए पब्लिक रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, तो ये अपने आप में क्या है, रेलेवेंट है, यही कहता है सेक्शन 35। ठीक है, तो स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस सेक्शन 34 क्या कहता था, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट, इसे हमने समझा, सेक्शन 35 को हमने जाना। अब हम सेक्शन 36 और सेक्शन 38 इन दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से यही तीन सेक्शंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सेक्शन 34, 35 और 38। उसके बाद हम सेक्शन 39 को कवर करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 35 को आप ऐसे इलाबोरेट कर सकते हो, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन 35 को ब्रीफ में कवर किया। अगर आप वीडियो में नए हो और एविडेंस एक्ट के और जितने भी सेक्शंस हैं, सेक्शन 32 जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन्हें अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।